नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पतोरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। कल गुरु पूर्णिमा थी, शिक्षकों की पूजा का दिन था। ये हमारे देश की संस्कृति है जिसमें टीचर को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है जो उनकी पूजा के लिए एक दिन तय किया गया। मगर सूरजपुर से आई ये तस्वीरें देखिए, ये महिला भी एक टीचर है लेकिन इसे जरा सी भी परवाह नहीं है कि एक महिला की हरकत से गुरु और शिष्य के रिश्तों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सूरजपुर के दातिमा का है जहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टीचर ने मुर्गा बना दिया। तस्वीरों में पीट कर आपको बता दें, जो किताब रखकर जो मुर्गा बने हुए बच्चे सूरजपुर के दातिमा के निजी स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें उनकी संस्कृत की शिक्षिका ने यह सजा दी है। बेरहम महिला शिक्षक ने उसके बाद उस बच्चों पर डंडे से भी पीटा और उसके बाद गधा भी बना दिया। आपको बता दें इस पर भी उनका मन नहीं जब भरा तो वे इन बच्चों को एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई के नाम पर आरोपी शिक्षिका को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग भी खानापूर्ति में लगा हुआ है। तो वीडियो बनाई थी इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स को अंदर गलतियों को तो दिखाने के लिए। उसके बाद ये वीडियो तुम्हारे घर में पता चला? हाँ पता था। क्या बोले घर वाले? मैडम हमारे घर वाले को बुलाए। जब हमने टीचर से बात किया कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, ये तो गलत है, तो टीचर का जवाब था कि सर मैं इसको वायरल करने के मकसद से नहीं बनाई हूँ। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि बच्चे बार बार मेरे बात नहीं मान रहे थे, शैतानी कर रहे थे क्लास में, ऐसे हरकतें कर रहे थे, उनको डराने के निस्बत से मैंने ये वीडियो बनाया। और उनको मैंने ये भी चेतावनी दी कि अगर आप बात नहीं मानेंगे, अपने काम से बात नहीं आएंगे, तो ये वीडियो मैं आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को या शारीरिक को या मानसिक को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाने का है। अगर इस प्रकार की बात आती है, चाहे वो शासकीय हो या प्राइवेट हो, विद्यालय के विद्यालय है, लेकिन इस प्रकार की कोई अच्छी बात नहीं है। शिक्षकों के द्वारा जो है अपने कार्य करते समय विद्यालय में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होनी चाहिए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों को मुर्गा बनाकर उनके ऊपर बैग भी रखा गया और उसके बाद जब मन नहीं भरा उन्हें पीटने के बाद भी, तो शिक्षिका ने इनका जो वीडियो है वो बनाकर वायरल कर दिया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इन बच्चों को बनाया गया है मुर्गा। दिलशाद अहमद अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए। दिलशाद, यहाँ पर वीडियो बनाने की आवश्यकता क्या थी एक टीचर को, और उसके बाद उन्होंने कहा जो कहना था वो ये था कि जिस तरह से वो हरकत कर रहे थे बच्चे मुर्गा बना के, उसके बाद उनके पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए बनाया गया था, तो पेरेंट्स को दिखाने के लिए मुर्गा बनाई हुई तस्वीरें रिकॉर्ड की गई इन्हें और फिर उसके बाद वायरल की गई, ये कैसी शिक्षिका है? जी, जब हमने प्रबंधन से बात की तो उनको साफ तौर पर कहना था कि बस जो वीडियो बनाया गया था कि उनके परिजन को दिखाने के लिए, उनके मन बाजार बैठा है, इसके लिए उनको वीडियो बनाया गया था, और जो उनके फ्रेंड सर्कल है, जो उनके जो ग्रुप में थे, उनको ये वीडियो भेजा गया था, लेकिन उनके द्वारा उनके फ्रेंड सर्कल के द्वारा ही इसको वायरल कर दिया गया। उसके बाद ये पूरा वायरल होने के बाद ही इस तरह से पूरा आक्रोश देखने को मिला। उनके साथ कहना कि बस ये पेरेंट्स को दिखाने के लिए ही वीडियो बनाया गया था, लेकिन वायरल होने के बाद ये बात ज्यादा बढ़ गई। गलत चीज तो हुई है, उसके लिए उन्होंने खेद भी जताया, लेकिन अभी तक जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए तो उतनी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो वीडियो जो बनाया गया वो मुर्गा बनाने का बनाया गया, न कि वो शरारत करने का। जी, वीडियो बनाया गया था वो मुर्गा बनाया गया था कि उनको दिखाया जाएगा कि उनके दिमाग में डर बैठे, उनके परेंट्स को दिखाया जाएगा कि भविष्य में ऐसा काम ना करें, उनको डर के लिए बनाया गया था। लेकिन ये गलत है जिस तरह से वीडियो बनाया गया, कहीं ना मजाकी इस तरह जो बनाया गया, लेकिन गलत है जिसके लिए जो ये मुर्गा बनाया गया था तरह से गलत है, जिसकी वजह से उनको पेरेंट्स दिया गया है और प्रबंधन आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको रुकना चाहूंगा मैं। दिलशाद उमरुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से उमरुद्दीन, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं,
न केवल ये शर्मनाक तस्वीरें हैं बल्कि जाहिर है कि एक टीचर इन बच्चों को बेरहमी से पीटती है, मुर्गा बनाती है, उनका वीडियो बनाती है और फिर वायरल भी हो जाता है वो वीडियो। किस तरह की शिक्षिका है ये? हेलो जी, किस तरह की शिक्षिका है ये जो इस तरह की जो वीडियो बनाकर वायरल कर देती हैं और बच्चों को मुर्गा बनाकर ये तस्वीरें बना जो रिकॉर्ड करने के बाद ये वायरल की जा रही है, किस तरह क्या मंशा थी इनकी इसके पीछे की? जी सर, जब हमने इस मामले की जानकारी हमें हुई, ये मामला था 12 तारीख का और चूंकि हमें ये बात पता चली है 13 तारीख को और जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी हुई और घटना का संज्ञान लेते हुए हमने बच्चों से बात किया और उनके अभिभावकों को भी मिलाकर ऑफिस में बात किया और सभी के समक्ष हमने टीचर से जब बात किया तो उनका जवाब था कि सर बच्चे शरारत कर रहे थे और बार बार समझाइश देने के बावजूद भी बच्चे बात मेरे नहीं मान रहे थे, इन्होंने अपना गृह कार्य भी कम्प्लीट करके नहीं आए थे और मैंने इनको सिर्फ डराने के निस्बत से हमने इन्हें इनका वीडियो बनाया मुर्गा बना करके और इनसे ये भी कहा कि अगर आप बार बार ऐसी हरकतें करेंगे तो ये वीडियो हम आपके पिताजी को दिखाएंगे। इस विषय में जब हमने फिर बच्चों से बात किया सर तो बच्चों कह रहे सर कि उन्होंने अपना गलती स्वीकार की, हाँ सर ये गलती हमारा था कि हम लोग बार बार इनको परेशान कर रहे थे और ऐसा अपने विद्यालय में परेशान कर रहे थे तो सर वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? वीडियो ये आजकल का अत्याधुनिक जमाना है जानता हूँ मैं, पर स्कूल के अंदर मोबाइल से ये बच्चों की वीडियो बनाकर क्या साबित करना चाह रही थी वो कि मुर्गा बनाने का पेरेंट्स को दिखाना चाहती थी तस्वीरें, आपका बेटा अच्छे से मुर्गा बनता है कि वो शरारत करने का वीडियो बनाती जिसमें ये शरारत करते हुए नजर आते, मुर्गा बनाने का वीडियो क्या था कि मुर्गा अच्छा बनता है आपको बेटा? जी ये पूरी तरीके से इस मामले की हम निंदा करते हैं सर, बहुत ही बड़ा निंदा करने से क्या होता है, निंदा करने से क्या होता है, उन बच्चे का ये वीडियो वायरल हुआ है, उनके क्लास के सभी बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद वो बेचारे बच्चे कल को कुछ अगर गलत हरकत कर लेते हैं क्योंकि वो जिस तरह से स्कूल में सभी बच्चों के बीच वो वायरल हुआ है, उन्हें शर्मिंदगी फेस करनी पड़ रही होगी नहीं होगी? शिक्षक के द्वारा ये गलती था सर और हमने शिक्षक के तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले हमने उन्हें 2 दिन के लिए सस्पेंड किया और जैसे हमें पता चला कि मामला और आपने कार्रवाई के नाम पर 2 दिन के लिए उसे निलंबित कर दिया बस। ये सोचिए ना कि एक बच्चे की छवि, एक बच्चे का कितना मासूम दिल होता है, कल को ये उसके मोहल्ले वासी जो बच्चे हैं खेलते कूदते हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे कि मुर्गा बनते हुए का क्या क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होगा इस वीडियो का? अभी तक सर जब हमने बच्चों से बात किया तो उन्होंने कहा सर कि ये गलत था और उन्होंने बच्चों ने भी अपनी गलती स्वीकार की और टीचर ने भी अपनी गलती स्वीकार की। सर वो तो बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही स्कूल में सर, आपने भी की होगी, मैंने भी की सर। हमने जब बैठक रखा सर ऑफिस में, हमने टीचर के विरुद्ध कल ही सर, कल 16 तारीख और कल हमने टीचर को यहाँ पे लिखित में हमने अपने शाला प्रबंधन और प्रचार के माध्यम से सर हमने उनको स्कूल से बर्खास्त किया है और उनका बर्खास्त किया। आपने शिक्षिका को स्कूल से? जी जी जी, बर्खास्त हमने किया है सर और इसका लेटर आज कार्यालय कलेक्टर DO BO जो भी ऑफिस जो रिलेटेड है प्रतिलिपि उनका आज वहाँ जमा हो जाएगा सर। चलिए वह दिन तमाम जानकारी के लिए, हमसे साझा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रोकर्ता के लिए खबर की ओर, बिलौवा थाना।